वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। पर फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दो हाथ लगते हैं। वेल फ्रेंड्स, उसी तरह से कल जब मैंने आप लोगों को थिएटर ओनर्स का पक्ष रखा आप लोगों के सामने, किस तरह से तमिलनाडु में थिएटर ओनर्स ने सूर्या की जो वाइफ है ज्योतिका, जब खबर आई कि उनकी फिल्म डायरेक्ट ऑनलाइन रिलीज होने वाली, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, कहा कि हम उनको बैन कर देंगे, उसके बाद मीडिएट किया गया सारी चीजों को। एंड अब गाइज, मेरे सामने एक लेटर आया है जहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 30 प्रोड्यूसर्स लोगों ने, यस फ्रेंड्स, दिस इज अ यूनिटी जो साउथ इंडिया में है, यानी कि स्पेशली तमिल इंडस्ट्री में है, वहां पे थिएटर ओनर्स यूनाइटेड है, प्रोड्यूसर्स यूनाइटेड है। एंड अब गाइज, वहां के प्रोड्यूसर्स ने एक लेटर लिखा है थिएटर ओनर्स को, जहां पर मोर देन 30 तमिल प्रोड्यूसर त्यागराजन, मुरलीधरन, शिवा श्रीनिवासन, राजन, ज्ञानवेल राजा, लिरिस राइटर्स, जितने भी लोग हैं गाइज, सारे के सारे लोगों ने, मोर देन 30 फिल्म प्रोड्यूसर्स, गिनीज बाबू गणेश नाम के भी कोई प्रोड्यूसर है गाइज, मोर देन 30 पीपल, रंगनाथ, रविंद्रन, रघुनाथन, विनोद कुमार, ये सारे लोगों ने गाइज अब लिखा है टू द थिएटर ओनर्स एक लेटर, जो कि मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। फिल्म प्रोडक्शन इज अ चैलेंजिंग फील्ड, यानी कि फिल्मों को प्रोड्यूस करना बहुत ही चैलेंजिंग रहता है, काफी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व रहता है इसमें। मेनी प्रोड्यूसर्स आर मेकिंग फिल्म्स विद अ लॉट ऑफ पैशन एंड कॉन्फिडेंस, यानी कि हम जब फिल्में बनाते हैं उसमें बहुत ही पैशन इन्वॉल्व रहता है, बहुत ही विश्वास रहता है फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए। अमंग देम चैलेंजेस फेस्ड बाय स्मॉल एंड मीडियम फिल्म प्रोड्यूसर्स इज हाई, बड़ी फिल्म बना रहे हो कोई दिक्कत नहीं, छोटी फिल्म बना रहे हो या मीडियम फिल्म बना रहे हो, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस इन्वॉल्व रहते हैं। इवन इफ दे हैव कंप्लीटेड अ फिल्म, दे फेस डिफिकल्टी टू रिलीज देम, यानी कि अगर वो मीडियम एंड स्मॉल फिल्में बनाकर कंप्लीट भी कर लेते हैं तो उनको रिलीज करना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी रहती है, स्पेशली थिएटर्स को लेना, उसको शोज दिलाना, अच्छे शोज, यूजुअली छोटी फिल्मों को सुबह के 8 बजे का शो, दोपहर के 4:30 का शो, रात को 11 बजे का शो, ऐसे शोज दे देते हैं, तो ऐसी फिल्मों को शोज दिलवाना, थिएटर्स दिलवाना, ताकि वो अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सके थिएट्रिकल राइट से, ये बहुत ही कठिन हो जाता है। एंड गाइज, ये जो चैलेंज है वो बड़ी फिल्मों के लिए, बड़ी फिल्मों के आर्टिस्ट लोगों के लिए जरा भी नहीं है, ये बात एकदम वैलिड है, वैलिड पॉइंट। विद द डेवलपमेंट ऑफ OTT, यानी कि ओवर द टॉप टेक्नोलॉजी जब से आई है, बहुत सारी फिल्में यहां पर विश्व के सामने सीधा सीधा OTT पर आ रही है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद, यानी कि पोस्ट द लॉकडाउन ड्यू टू कोरोना, मेनी OTT प्लेटफॉर्म्स हैव स्टार्टेड अक्वायरिंग स्मॉल एंड मीडियम बजट फिल्म्स, यानी कि अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स ने इन फिल्मों को खरीदना शुरू कर लिया है, चाहे वो छोटी फिल्में हो, मीडियम फिल्में हो, ताकि वो डायरेक्ट थिएटर में ना रिलीज होके OTT पर रिलीज हो जाए, विच वी ऑल हैव टू वेलकम होल हार्टेडली, यानी कि हम सारे प्रोड्यूसर लोगों को उसको खुले दिल से अपनाना होगा, इस डिसीजन को वेलकम करना होगा। ऑलरेडी द प्रोड्यूसर्स, ध्यान से सुनिएगा ये बात, ऑलरेडी द प्रोड्यूसर्स इन हिंदी, तेलुगु एंड अदर लैंग्वेजेस आर ट्राइंग टू सेल देयर फिल्म्स फॉर डायरेक्ट OTT प्रीमियर, यानी कि हिंदी में और तेलुगु में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स खुद ये फिल्मों को ऑनलाइन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक तो हमें खबर आ रही है कि ऑनलाइन वाले हिंदी फिल्म वालों को अप्रोच कर रहे थे, लेकिन सच कुछ और निकला है, यहाँ पे बहुत सारे हिंदी प्रोड्यूसर्स भी है जो अपनी फिल्में बेचने की कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन वालों को। द नंबर ऑफ फिल्म्स वेटिंग टू रिलीज इन द थिएटर्स शैल रिड्यूस, यानी कि वो ये करके जो लाइन में लगी हुई है फिल्में रिलीज होने के लिए, उसको यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। इफ स्मॉल एंड मीडियम बजट फिल्म्स गेट प्रीमियर टू OTT, द नंबर ऑफ सच फिल्म्स वेटिंग टू रिलीज शैल रिड्यूस, यानी कि अगर ये छोटी फिल्म है या मीडियम फिल्म है, अगर हम डायरेक्ट OTT पर रिलीज कर दे, तो जो लाइन लगेगी लॉकडाउन खुलने के बाद रिलीज होने के लिए, वो यहाँ पर कम हो जाएगी। द बैलेंस फिल्म्स कैन रिलीज प्रॉपरली टू, यानी कि बड़ी फिल्में बाद में रिलीज करो आप लोग थिएटर में, कोई हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन छोटी फिल्म में एटलीस्ट यहाँ पर रिलीज होने दो OTT पे। लाइक देर आर सो मेनी बेनिफिट्स वी कैन एंजॉय बाय अलाउिंग द OTT प्रीमियर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम बजट फिल्म्स, हेंस दिस स्टेप बाय OTT प्लेयर्स मस्ट बी वेलकम, यानी कि हम बहुत फायदा होगा हमको, प्लीज आप जो ये डिसीजन है OTT का उसका स्वागत कीजिए। वी मस्ट रिक्वेस्ट OTT प्लेयर्स टू अक्वायर मेनी एंड स्मॉल मीडियम फिल्म्स विच आर स्ट्रगलिंग टू रिलीज, यानी कि हमारी गुजारिश है OTT प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को प्लीज आप उन फिल्मों को खरीदिए जो छोटी है, मीडियम फिल्म है, ओके? बड़ी फिल्मों को मत खरीदिए। इन एडिशन, एक प्रोड्यूसर ये भी कहता है कि अगर प्रोड्यूसर हु हैज इन्वेस्टेड हिज मनी हैज
ऑल द राइट्स टू एक्सप्लॉइट दिस फिल्म इन एवरी वे पॉसिबल बाय सेलिंग द फिल्म्स अवेलेबल फॉर सेलिंग द राइट्स अवेलेबल फॉर द फिल्म. यानी कि एक प्रोड्यूसर एक फिल्म का मालिक है, पूरा का पूरा हक है उसको, वो फिल्म को किसी को भी बेच सकता है टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट एंड शेल कंटिन्यू द फिल्म बिजनेस. यानी कि प्रोड्यूसर के पास पूर्ण तरीके से अधिकार है कि वो किसी को भी फिल्म बेच सकता है फॉर द फिल्म इंडस्ट्री टू ऑपरेट स्मूथली. यानी कि ये इंडस्ट्री हमारी है उसको अच्छे से चलने के लिए थ्री स्टेक होल्डर्स यानी कि प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड थिएटर ओनर जिनको आप एग्जीबिटर कहते हैं, उन सबको साथ में मिलकर आना होगा ओके इन यूनियन एंड टेक डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री. यानी कि तीनों बैठो साथ में, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर, एक डिसीजन लो जो कि हमारी इंडस्ट्री को बेनिफिट करे. वी स्ट्रांगली रिक्वेस्ट ट्रेड एसोसिएशन, फिल्म एसोसिएशन है, टू टेक एनी डिसीजन एंड अनाउंस इट विच मे नॉट हर्ट एन इंटरेस्ट ऑफ अ फिल्म प्रोड्यूसर हु इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज बिजनेस. यानी कि हमारी फिल्मों को बैन करके आप लोग प्लीज फिल्म प्रोड्यूसर के पेट पर लात मत मारिए. तो यहाँ पर लोग फिल्म प्रोड्यूसर के पेट पर लात नहीं पड़नी चाहिए लेकिन एग्जीबिटर के पेट पर लात पड़नी चाहिए थिएटर वालों के, ये इनका ये कहना है. ओके गाइज, अब वी ऑल्सो रिक्वेस्ट दैट वंस दिस कोरोना इज लिफ्टेड लॉकडाउन ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड ऑफिस बेयरर्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट मीट, डिस्कस एंड अराइव एट अ सोल्यूशन बिफोर अस इंक्लूडिंग ओटीटी रिलीज एंड द बेनिफिट्स ऑफ द तमिल वेलफेयर एसोसिएशन लुकिंग फॉर द यूनिटी. यानी कि जैसे खत्म होता है मिलिए साथ में, डिस्कस कीजिए ओटीटी के बारे में, लेकिन ये तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद, लेकिन अब जो लोग बेच रहे हैं उनका क्या. सो गाइस प्रोड्यूसर का जवाब आ गया है, वो कह रहे हैं कि हमारे पेट का सवाल है, हमको भी फिल्में ऑनलाइन रिलीज करने दो, छोटी फिल्मों को रिलीज करने दो, मीडियम फिल्मों को रिलीज करने दो, वरना ऐसी लाइन लग जाएगी कि हमारी फिल्मों को शो ही नहीं मिलेगा, हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे. थिएटर ओनर्स के बारे में यहाँ पर इन लोग बोल रहे हैं कि आप लोग बड़ी फिल्में रिलीज करो थिएटर्स में, छोटी फिल्में, मीडियम फिल्में हमको रिलीज करने दो ऑनलाइन. सी गाइस, अब दोनों का पक्ष रख दिया आपके सामने, थिएटर ओनर्स का कल बता दिया, आज प्रोड्यूसर्स का बता दिया. जैसे ही इस पर कोई अपडेट आती है मैं आपको बताऊंगा. आई थिंक आज या कल इनके बीच में डिस्कशन होगा जो कि पूरे इंडिया में लोग इसे एक बेंचमार्क समझ के चलेंगे, आगे जितनी भी इंडस्ट्रीज है चाहे वो हिंदी, तमिल, तेलुगु, सारे लोग इंप्लीमेंट करेंगे. ओके गाइस, साइनिंग ऑफ, वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन.